बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि हमने एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे, और लास्ट वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन दिया, और अब हम बात करेंगे उसी इंट्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे, और फिर आने वाली आगे वीडियोस में हम उनकी इन कॉन्सेप्ट्स की इंप्लीमेंटेशन करेंगे। सो लर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ी मजीद इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बेसिकली है क्या। तो बिफोर लर्न द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स, काइंडली लाइक अवर वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म टू लर्न न्यू स्किल्स इन कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड आल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन ऑन योर अकाउंट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्ट्स की बात की थी हमने लास्ट वीडियो में, अब हम उसके आगे उसकी कंटिन्यू में बात करते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑब्जेक्ट्स अपनी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करते हैं, और वो अदर वर्ल्ड के लिए वो हिडन है, और उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है ऑब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंगली। It can only be manipulated by the object itself. So, information जितनी भी है उस object से related वो सारी उसने अपने पास store कर ली, और उसके बाद उसके किसी methods या operations के through हमने वो information को retrieve कर लिया। आपको ये information hiding का concept में with example explain करता हूँ कि कैसे information hiding होती है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, अली ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपना नेम जो है उसका स्टोर है उसके ब्रेन में। अब उसको हम कैसे जान पाएंगे, हम उसको डायरेक्टली उसका नाम एक्सेस नहीं कर सकते, हम जब तक उससे पूछेंगे नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो वो बेसिकली अली अपने कानों से क्वेश्चन को सुनेगा, तो ये जो उसके कानों से सुनने का काम है ये ऑपरेशन है, हमने उस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन किया, और फिर उसके बाद अली ने अपने ब्रेन में अपने नेम को ट्रांसलेट किया, और उसके बाद हमें अपना नाम बता दिया। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करते हैं, और वो किसी मेथड के थ्रू दूसरों को इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करते हैं। अनदर एग्जांपल जो है वो फोन स्टोर्स सेवरल फोन नंबर्स, सिम कार्ड के ऊपर हमारे पास बहुत से फोन नंबर स्टोर होते हैं, और हम उस सिम कार्ड से हम डायरेक्टली नंबर्स को रीड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास फोन सेट होता है, और फोन सेट हमें वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है जिससे हमें पता चलता है क्या फोन नंबर था। सो अनदर एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग, और इसको कैसे किया जाता है उसके लिए हम अगला कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट की हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या होती है कि डेटा और बिहेवियर जो है वो टाइटली कपल्ड होते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर, और ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन या अपना डेटा बिहेवियर के थ्रू अदर ऑब्जेक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस आर हिडन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, कि उसके अंदर उसने कैसे इंप्लीमेंट किया है, जैसे ब्रेन में डेटा कैसे स्टोर हुआ है, नोबडी नोस। तो यही चीज हमारे पास कि वो कैसे सुन रहा है, कैसे बता रहा है, कैसे चीजें कर रहे हैं, ये इंप्लीमेंटेशन जो है ये हिडन होती है, इसका नहीं पता होता अदर वर्ल्ड को, आउटर वर्ल्ड को। इनकैप्सुलेशन के एग्जांपल क्या है, अली स्टोर्ड हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड नोस हाउ टू ट्रांसलेट इट टू द डिजायर्ड लैंग्वेज। मतलब अली की इंफॉर्मेशन है, उसका नाम है, अब एक उर्दू में उससे पूछता है आपका नाम क्या है, वो उसको उर्दू में बताता है मेरा नाम अली है। अगर वो इंग्लिश में पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो वो उसको इंग्लिश में बताएगा माय नेम इज अली। तो ये जो बेसिकली वो कह रहा है कि वो कैसे ट्रांसलेट करता है डिजायर्ड लैंग्वेज के अंदर, ये इंफॉर्मेशन भी अली के माइंड में अपने अंदर उसके स्टोर है। अब
we don't know how the data is stored, how Ali translate this information. हमें तो सिर्फ ये है कि उसने अपना नाम बता दिया है, जो हमने desired language हमने चूज की उसको उसका नाम पूछने की, उसने उस लैंग्वेज के अंदर हमें अपना नाम बता दिया। अब उसने कैसे बताया है, कैसे स्टोर था, हमें उस चीज का कोई पता नहीं। तो दैट इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। फोन नंबर जो है वो स्टोर होते हैं डिजिटल फॉर्मेट में एंड नोस हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू द ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स। हमारा कंप्यूटर भी जो डाटा स्टोर करता है वो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करता है, और उस डिजिटल फॉर्मेट में 0-1 बाइनरी नंबर्स में वो डाटा स्टोर किया जाता है, और वो उसको कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स के अंदर। अब वो डाटा कैसे स्टोर हुआ है, कैसे ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर में वो कन्वर्ट कर रहा है, वी डोंट नो। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन की एडवांटेजेस क्या है, सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी है, मतलब वी आर ओनली कंसर्न विद द इंटरफेसेस नॉट इंप्लीमेंटेशन डिटेल कि ये कैसे कर रहा है, अनलेस के मैं उसका उसकी इंजीनियरिंग पार्ट को ना देखना चाहूं। अगर मैं सिंपल एंड यूजर की तरफ से बात करूं तो वो बेसिकली सिर्फ उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए। अगर मैं इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव से उसकी बात देखूंगा तो मुझे फिर उसके अंदर चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी को देखना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, इससे बेसिकली इनकैप्सुलेशन से बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। वी जस्ट नो द इंटरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, नीचे रिगार्डलेस उसने नीचे क्या इंप्लीमेंटेशन की है, आगे मैं इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। So, object has an interface, जैसे मैंने पीछे बात की कि ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो वो थ्रू इंटरफेसेस इंटरेक्ट करता है। और अब ऑब्जेक्ट हमने बात की कि इनकैप्सुलेट होते हैं डेटा और बिहेवियर ऑब्जेक्ट्स में अंदर, सो हो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर, ईच ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस, अदर ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट थ्रू दिस इंटरफेस। तो ये हम इसकी इंप्लीमेंटेशन आने वाली नई वीडियोस में हम बताएंगे कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर। अभी हम जस्ट इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है क्या और उसको कैसे यूज किया जाएगा। एग्जांपल है इंटरफेस ऑफ द कार, ऑफ अ कार, कार का इंटरफेस स्टीयरिंग व्हील्स, एक्सीलेटर से हम उसको स्पीड बढ़ाते हैं उसकी, चेंज गियर इंटरफेस है जिसके थ्रू हम गियर चेंज करते हैं, अप्लाइड ब्रेक्स ब्रेक्स हैं जिसके थ्रू हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, और ऑन ऑफ बटन्स हैं जो कि लाइट्स को ऑन ऑफ करते हैं। दीज आर ऑल इंटरफेसेस फॉर द ड्राइवर, जो उस कार को ड्राइव कर रहा है उसके लिए ये इंटरफेसेस हैं। अब गियर चेंज कैसे हो रहा है वो इंप्लीमेंटेशन हमसे हाइड है, हमें नहीं पता, ड्राइवर को नहीं पता कि वो चेंज अंदर उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो जस्ट ये करता है उसको पता ये है कि मैं इस तरह ये करूंगा तो ये चेंज गियर हो जाएगा, अब ब्रेक अप्लाई करूंगा तो वो ब्रेक अप्लाई हो जाएगी, ब्रेक लग जाएगी, और इस तरह टर्न ऑफ लाइट्स को ऑन ऑफ का जस्ट मैं बटन प्रेस करूंगा, और पीछे उसने कैसे ऑन ऑफ किया है वी डोंट नो। इसी तरह इंटरफेस ऑफ फोन क्या है, इनपुट नंबर है, प्लेस कॉल है, डिस्कनेक्ट कॉल है, एड नंबर टू एड्रेस बुक है, रिमूव नंबर है, अपडेट नंबर है, दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ अ फोन, फोन सेट। तो हम ये ऑपरेशन, ये बेसिकली जिनको हम कह रहे हैं कि ये फंक्शंस हैं वो इंटरफेसेस हैं उस ऑब्जेक्ट के जिनके थ्रू हम फोन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंप्लीमेंटेशन क्या होती है, प्रोवाइड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इंटरफेस, इंक्लूड क्या है, डेटा स्ट्रक्चर टू होल्ड ऑब्जेक्ट स्टेट्स और फंक्शनैलिटीज दैट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सर्विसेज। मतलब कहने का ये है कि इनपुट नंबर है तो इसके पीछे जो इंप्लीमेंटेशन की गई है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन। तो वो कैसे स्टोर किया गया, कैसे रिट्रीव करके ला रहा है, वो सारी डिटेल हम इंप्लीमेंटेशन में लिखते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ गियर बॉक्स की क्या होगी, डेटा स्ट्रक्चर उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ गियर बॉक्स और फंक्शनैलिटी क्या है, मैकेनिज्म टू चेंज गियर, ये इंप्लीमेंटेशन है। एक तो हमने उसका डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, सेकेंडली हमने एक मैकेनिज्म डेवलप करना है जिससे वो गियर को चेंज करेगा। और इसी तरह एड्रेस बुक इन द फोन नंबर, जो डेटा स्ट्रक्चर है वो सिम कार्ड है जिसके अंदर डेटा स्टोर हुआ हुआ है, और फंक्शनैलिटी क्या है, रीड राइट सर्किट के थ्रू हमारे पास डेटा रीड और राइट करके लेके आएगा।
सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इंप्लीमेंटेशन, इसका मतलब क्या है? मींस चेंज इन इंप्लीमेंटेशन डज नॉट अफेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरफेस. क्या आगे मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा कि बेसिकली कि ऑब्जेक्ट और इंटरफेस, सॉरी इंप्लीमेंटेशन और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है. अब ये अचीव्ड हम किस तरह करते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन, इनको हम सेपरेट कैसे कर रहे हैं, वो जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट दो पढ़े हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन, उसके अंदर हमने बताया है कि इन चीजों को अचीव कैसे किया जा सकता है. अब वो कहते हैं कि एग्जांपल क्या है सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इंप्लीमेंटेशन की. ड्राइवर कैन ड्राइव अ कार इंडिपेंडेंट ऑफ इंजन टाइप. मतलब मैं भी कार ड्राइव कर रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि पेट्रोल है या डीजल है, मैं जस्ट मेरे पास इंटरफेस है जिसके अंदर स्टीयरिंग है, चेंज गियर है, लाइट ऑन ऑफ है, स्टार्ट कार है. अब आगे वो डीजल और पेट्रोल जो है वो इंजन टाइप है, इंप्लीमेंटेशन है, तो इंटरफेसेस मेरे वही रहेंगे. अब डीजल और पेट्रोल की इंजन कैसे फंक्शनलिटी करता है, दैट इज कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज इंटरफेस डज नॉट चेंज विद द इंप्लीमेंटेशन. आप पीछे से इंजन चेंज कर दें, इंटरफेस चेंज गियर का आपके पास वही रहेगा, तो इसलिए किसी यूजर को फर्क ही नहीं पड़ता कि इंप्लीमेंटेशन पीछे से चेंज हुई है या क्या हुआ. इसी तरह ड्राइवर कैन अप्लाई ब्रेक्स इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेक टाइप्स. सिंपल ब्रेक है या डिस्क ब्रेक है या एबीएस है, क्या ब्रेक है उसको इससे नहीं है, वो बेसिकली ब्रेक अप्लाई करने का जो इंटरफेस है वो एक ही तरह का है. अगेन डीजल इज द सेम इंटरफेस. Advantages of separation basically क्या है, user need not to worry about a change until the interface is same. मतलब मैं change gear का concept change कर दूं, जैसे automatic car है, उनके अंदर gear लगाने का mechanism change है, interface change हो गया. अब वो interface, अब हमारे पास change gear के दो ही concepts हैं, या तो manual है या automatic है, तो interfaces हमें understandable है. और नीचे आगे इंजन टाइप, चाहे वो व्हीकल की टाइप क्या है, वो कार है, वो ट्रक है, वो बस है, बाकी वो सारी उसके इंप्लीमेंटेशन है, लो कॉम्प्लेक्सिटी है. हम इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पीछे इंप्लीमेंटेशन चेंज कर दें तो आगे इंटरफेस वही रहे, तो अदर ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट उसी मेथड के साथ करते रहेंगे, इंप्लीमेंटेशन आए जो मर्जी हो जाए. डायरेक्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस एरर्स. अगर हम इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर के अंदर डायरेक्ट एक्सेस करके उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं तो वो प्रोड्यूस एरर जनरेट करेगा, तो वो इस कॉन्सेप्ट को आगे हम इंप्लीमेंटेशन में मोर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. मैसेजेस क्या है, ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट्स थ्रू मैसेजेस. जैसे मैंने उसको मैसेज पास किया, व्हाट इज योर नेम, तो उसने मुझे बताया माय नेम इज दिस. They send message by invoking appropriate operations on the target object. The number and kind of messages that can be sent to an object depends upon its interface. कि कौन से इंटरफेस को मैंने क्या मैसेज सेंड करते हैं और वो मुझे इंटरफेस जो है वो मुझे वही रिप्लाई करेगा जो उसके अंदर उसकी इंप्लीमेंटेशन. A person send message stop to a car by applying brakes. तो एक पर्सन है और उसने कार के साथ इंटरेक्ट किया है और उसका जो इंटरफेस था वो ब्रेक अप्लाई कर. या पर्सन सेंड मैसेज प्लेस कॉल टू अ फोन बाय प्रेसिंग अप्रोप्रिएट बटन. तो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मैसेज पासिंग के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है. सो थैंक यू वेरी मच. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन, राइट डाउन इन द कमेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस आल्सो राइट डाउन इन द कमेंट्स. वी विल टेक केयर ऑफ योर कमेंट्स एंड योर वी विल आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू अगेन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. और आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे अब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्किल्स के बारे में और उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी वो सारी आने वाली नई वीडियोस के अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी.